प्यारे दोस्तों, सब रंग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, अगर हम इस दुनिया में अकेले हो तो जीवन कितना नीरस हो जाता है। जब हम एक समूह के रूप में एक साथ रह रहे होते हैं तो निरंतर निरंतर लेन देन होता रहता है। हम जीवंत महसूस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जरा वनस्पतियों और जीवों द्वारा बनाए गए ऑर्केस्ट्रा पर नज़र डाल के देखें, कितनी खूबसूरती से सब कुछ व्यवस्थित किया गया है ताकि इंसान सुख और शांति से रह सके। लेकिन क्या हम शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं? क्या हम लोगों के संग का आनंद लेने के बजाय उनके दोष ढूंढकर दुखी नहीं हो रहे? दोस्तों, ये सब कितना असंगत लगता है ना। दूसरे लोगों के दिलों में छिपे सोने को कैसे खोदा जाए? सूत्र बहुत ही सरल है दोस्तों। गंदगी को यदि ढूंढेंगे तो गंदगी मिलेगी। इसके बजाय अगर आप सोने की तलाश करेंगे तो आपको सोना ही मिलेगा। इतना सा सूत्र है जो कि हम जीवन में समझ ही नहीं पाते। पूरा सबरंग ये कार्यक्रम उस सोने की खोज में ही तो आपकी मदद करने का एक प्रयास है। तो दोस्तों, आइए आज के पहले सुभाग्य में दूसरों में छुपे या सुभाग्य में छुपे इस सोने को ढूंढने की मिलकर साथ में कोशिश करते हैं। आइए सुनते हैं आज का सुभाग्य। लक्ष्य हो तो सूर्य जैसा स्पष्ट, आंखों के ऊपर कुहासे का पर्दा किसे अच्छा लगता है? पहाड़ों की चोटी से निकलता हुआ सूरज और उसकी रंग बिरंगी किरणें फैले हुए कोहरे के धुंधले वातावरण को मिटा देती है और हमें सुंदर नजारा दिखाई देता है। पृथ्वी पर हर एक जीवन की नींव और वृद्धि का प्रतीक है सूर्य, जिन्हें हम पूजते भी हैं। इतना ही नहीं, वे हमारे मार्गदर्शक भी हैं, गुरु भी हैं और देखा जाए तो हमें कितनी प्रेरणा प्रदान करते हैं। सबसे उल्लेखनीय विषय है उनकी प्रतिभाशाली द्युति, जो रोशनी का खजाना है, स्पष्टता का प्रतीक है। जिंदगी में जब हमारा उद्देश्य स्पष्ट होता है तो अनिश्चितता का अंधियारा वहाँ पे अपना बसेरा नहीं कर सकता। चाहे कितने भी नकारात्मक विचारों के बादल क्यों ना आए, हमारी चारित्रिक दृढ़ता और मूल्यबोध को नापने हमारे अटल लक्ष्य के प्रकाश के सामने उन बादलों के पर्दों का हटना निश्चित है। जैसे सूरज की किरणों को अपनी शोभा बिखेरने के गंतव्य स्थल का पता है, आपको भी ये स्पष्ट निश्चय होना चाहिए कि आप अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रकाशन कहाँ करेंगे। यही होगा आपकी अंतरात्मा का सही प्रदर्शन। तो दोस्तों, हम दूसरों के दिलों में छुपे सोने को खोदने की बात कर रहे थे। दोस्तों, दूसरे में सोना ढूंढना तभी आसान होता है जब हम अपने अंदर छिपे सोने को पहचान लेते हैं। जी हाँ, जो व्यक्ति स्वयं का मूल्य जानता है, केवल वही दूसरों के मूल्य को पहचानने में कभी भी गलती नहीं करेगा। जब हम उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां महानता ही महानता को पहचान लेती है, तो आपसी रिश्ते अपने आप ही मधुर हो जाते हैं। और जब संबंध मधुर बनेंगे तो आपको बहुत ही शांति का अनुभव होगा। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिना मानसिक शांति के शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुखी जीवन जीने के लिए दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य बेहद जरूरी है और हमें उम्मीद है ये बात आप भी मानते ही होंगे। तो आइए, आपकी सेहत आपके हाथ में, हेल्थ टिप्स की ओर बढ़ते हैं। ओम शांति। अनीमिया यानी खून की कमी, क्यों होता है ये, किसको हो सकता है? देखिए, यदि आप में खून ज़्यादा बह रहा है तो खून की कमी होगी।
सबसे कॉमन हमारी बहनों में है, यदि मासिक धर्म में रक्तस्राव ज़्यादा होता है, जैसे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है, तो खून ज़्यादा लंबे समय तक बह रहा है तो आप में खून की कमी हो सकती है, या फिर आपके अंदर रेड ब्लड सेल का उत्पादन कम हो रहा है, आपका आहार वैसा नहीं है, या किन्हीं और कारणों से उसका उत्पादन कम हो रहा है, जैसे विटामिन B12 की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, आयरन की कमी है, तो उसका उत्पादन कम होता है, या शरीर में और भी कोई अन्य बीमारी हो तो भी रेड ब्लड सेल का उत्पादन कम हो सकता है, या फिर उसका डिस्ट्रक्शन यानी विनाश ज़्यादा हो रहा है, जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया। तो ये हमारे मुख्य तीन कारण हैं। हमें डॉक्टर के पास कब मिलना चाहिए? यदि आपको बहुत लंबे समय से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है, स्पेशली बहनों में, तो आप जल्द ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यदि हम इसका आयरन सप्लीमेंट्स भी लेते हैं और खून का बहना को नहीं रोकते हैं तो फिर हम इस एनीमिया से निजात नहीं पा सकेंगे। यदि आपको क्रॉनिक अल्सर है या ब्लीडिंग पाइल्स है तो उसका भी इलाज कराने के लिए हमें डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। यदि रेड ब्लड सेल का उत्पादन हमें विटामिन्स की कमी से हो रहा है तो हमें अपने आहार को उसके हिसाब से करना होगा। हम आपको आगे बताएंगे कि एनीमिया में हमारा आहार कैसा होना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति। आप सभी को फिर से एक बार मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। भाइयों बहनों, मन में खुशियों के सच्चे बसंत के साथ एक नए दिव्य रूप में मकर संक्रांति मनाने का संदेश देती हुई प्रस्तुत है काव्य रचना, आओ अब मनाएं ऐसी मकर संक्रांति। दुखों के पतझड़ का हो बस अंत, मन में खुशी का हो सच्चा बसंत। दुखों के पतझड़ का हो बस अंत, मन में खुशी का हो सच्चा बसंत। जन जन के जीवन में हो सुख शांति, आओ अब मनाएं ऐसी मकर संक्रांति। आओ अब मनाएं ऐसी मकर संक्रांति। अज्ञान के तमस मिटे, ज्ञान का प्रकाश हो, राह सत्य की दिखेगी विश्व को विश्वास हो। अज्ञान के तमस मिटे, ज्ञान का प्रकाश हो, राह सत्य की दिखेगी विश्व को विश्वास हो। भय और भ्रम की हर मिट जाए भ्रांति, आओ अब मनाएं ऐसी मकर संक्रांति। ऐसी मकर संक्रांति। शुद्ध प्रेम में मिले दिल से हर दिल, जैसे गुड़ में तिल जाते हैं मिल। शुद्ध प्रेम में मिले दिल से हर दिल, जैसे गुड़ में तिल जाते हैं मिल। विश्व में बंधुत्व की हो जाए फिर क्रांति, आओ हम मनाएं ऐसी मकर संक्रांति। आओ अब मनाएं ऐसी मकर संक्रांति। पतंगों से ऊंची उमंगों की उड़ान हो, दिलों में उत्साह का एक खुला आसमान हो। पतंगों से ऊंची उमंगों की उड़ान हो, दिलों में उत्साह का एक खुला आसमान हो। चेहरों पे सबके हो खुशियों की कांति, आओ अब मनाएं ऐसी मकर संक्रांति। आओ अब मनाएं ऐसी मकर संक्रांति। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे जीवन को सुखदायी बनाएगी, कि विचारों के मिलन की न्यारी खिचड़ी जब खाएंगे, संसार को हम निश्चित ही सुखमय बनाएंगे। विचारों के मिलन की न्यारी खिचड़ी जब खाएंगे, संसार को हम निश्चित ही सुखमय बनाएंगे। राज ये गहरा है इसे दुनिया ना जानती, आओ अब मनाएं ऐसी मकर संक्रांति। आओ अब मनाएं ऐसी मकर संक्रांति। निराशा अंधकार की रात अब समाप्त हो, मन में आशाओं का उजाला फिर व्याप्त हो। निराशा अंधकार की रात अब समाप्त हो, मन में आशाओं का उजाला फिर व्याप्त हो। सूर्य राम राज्य का चमकाए ये संक्रांति, आओ अब मनाएं ऐसी मकर संक्रांति। आओ अब मनाएं ऐसी मकर संक्रांति। इसी अर्थ में मनोज खुशनुमा की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बारंबार बधाई हो। बधाई हो। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। दोस्तों, हम सभी जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। शिक्षा समाप्त करने के बाद जब हम वास्तविक दुनिया से रूबरू होते हैं तो हर हाल में हमारा यही सवाल होता है साथियों, कि इससे मुझे क्या मिलता है। और दोस्तों, उपलब्धि की ये जो भूख होती है बहुत लंबी चलती है, और बढ़ती उम्र के साथ जब हम और भी मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो एक दिन अचानक से हमें पता चलता है कि हर चीज़ को समाज की उन्नति के लिए सफल करना केवल ये ही सच्ची उपलब्धि होती है। जो हमसे जाता है
वही हमारे पास लौट कर आता है। तब हम जीवन को दुनिया की सेवा के एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। तब हमें सभी से आशीर्वाद प्राप्त करने का परम महत्व एहसास होता है। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हम बूढ़े होने का इंतज़ार क्यों करें? हमें अभी यह एहसास क्यों नहीं होता कि मानव जीवन केवल और केवल सेवा के लिए है? दोस्तों, इस महत्वपूर्ण संदेश को फैलाने के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनें दुनिया भर में सेवा का कार्य निस्वार्थ भावना से कर रही हैं। आइए दोस्तों, उनमें से एक पर नजर डालते हैं। प्रभु प्रेमियों को प्रभु प्रेम में मगन करने के लिए गीत संगीत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जिस कारण भक्त अपने भजन कीर्तन द्वारा ईश्वर को याद करते हैं। और ऐसा ही विषय लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक स्वर लहरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई से प्रसिद्ध गीतकार हरीश मोयल जी और माउंट आबू से बीके भानु भाई जी मुख्य रूप से पधारे। साथ ही म्यूजिक डायरेक्टर मिलिंद वानखेड़े जी एवं आरकेडीएफ विश्वविद्यालय गांधीनगर से कई विशेष अतिथिगण भी मौजूद रहे। इस मौके पर मूल्य उपवन प्रभारी बीके किरण बहन सहित सभी ने मिलकर दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात गीतकारों ने अपने मधुर संगीतों से प्रभु स्मृतियों के गीत गाए, जिससे उपस्थित सभी भाई बहने परमात्म याद में मग्न हो गए। दोस्तों, असली शिक्षा के तीन पहलू होते हैं। हर परिस्थिति में खुश रहना, दूसरा सामने वाले या अपने आसपास के लोगों की अच्छाई परखना, और तीसरा हर समय का समस्या का समाधान अपने अंदर तलाशना। जब हम इन तीनों पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देते हैं, और हम इन शिक्षाओं के सार को सबरंग के हर एपिसोड में शामिल करने की कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि आप सबरंग से जुड़े रहते हैं। दोस्तों, इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं सबरंग के एक और अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे यानी कि विदुषी राय को दीजिए इजाज़त। ओम शांति।